मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जांच से लेकर बच्चा बदलने की जांच तक आखिर कब तक खेला जाएगा ये जांच का खेल? हंगामा क्यों है बरपा, बच्चा ही तो बदला है। जी हाँ, जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में नवजात बच्चे को बदले जाने को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और हर बार की तरह जांच का आश्वासन दिया है। बताना मुनासिब होगा कि जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में ग्राम बरजुरपुरा का कालीचरण परिजनों के साथ पत्नी शानू तिवारी का प्रसव कराने के लिए चिकित्सालय पहुंचा। इसी दौरान मलियापुरा निवासी एक अन्य महिला भी प्रसव के लिए पहुंची। डिलीवरी लगभग एक साथ हुई। कालीचरण का कहना है कि नर्स ने मुझे बेटा होने की जानकारी देते हुए मिठाई खिलाने को कहा। थोड़ी देर बाद नर्स ने कहा कि बेटा नहीं, बेटी हुई है। परिजनों को जब लड़की के बारे में बताया तो वह भड़क गए और हंगामा करने लगे। हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कालीचरण के परिजनों को समझाते हुए मामले की जांच का आश्वासन देते हुए अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने कहा कि दो डिलीवरी होने से यह भ्रम पैदा हो गया है, डीएनए कराना चाहते हैं, उसके लिए तैयार रहें। सबके सामने, पुलिस वाले के सामने और अस्पताल के सबके हमारे सामने और बिन कौन के दोनों पक्ष के सामने जोन को जोन हुए कौन को मिले माँ बच्चा है या लड़की है कौन को हमें लेने को नहीं लेंगे। हमें मतलब नहीं है कि चाहे हमारी लड़की भाई हुए तो लड़की लेंगे और लड़का हुआ हो तो लड़का लेंगे। हमें ये मतलब है डीएनए टेस्ट हो सबके सामने हुआ। दो परिवार की महिला है थी प्रसव हेतु, जिसमें से एक को बच्चा और एक को बच्ची हुई थी, जिस पर से एक परिवार को शक है कि उनको बेटा पैदा हुआ था। चूँकि परिवार जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि किसको बेटी, जो कागजात हैं किसको बेटी हुई है किसको बेटा, तो अभी उन्होंने ले रहे हैं वो। उनका जो शिकायत है उसका आवेदन ले लिया है, उसकी जाँच। प्रथम दृष्टया इसमें कोई लापरवाही निकल के आई है? अभी जांच पर से जो भी जांच में निकल के आएगा उसकी बात की है। और परिजन डीएनए की डिमांड कर रहे थे इसमें? वो आवेदन की जांच पर से आगे की कार्रवाई सभी के कथन होंगे, डॉक्टर्स वगैरह की रिपोर्ट्स ली जाएंगी, उसके बाद की कार्रवाई। गौरतलब है कि उड़ान भरता दतिया के विकास की इबारत में बच्चा बदले जाने का एक नया अध्याय और जुड़ गया है, जिसकी जाँच कराए जाने का आश्वासन पुलिस प्रशासन की ओर से मिला है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुई खरीदारी की गड़बड़ी की जांच जारी है। उसके लिए जो समिति गठित हुई थी उसकी जांच जारी है। जिले में आए दिन चोरियां हो रही हैं। भूमाफिया, रेत माफिया, मुरम माफिया प्रतिदिन लाखों के रुपए की राजस्व आय की चोरी कर रहे हैं। जांच जारी है। बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। जांच जारी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा और उसके युवराजों की बस्ती का कड़वा सच यही है कि जांच जारी है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।